के बाद दीपक की दादी, ठीक है। आपको इस पार्ट में जहाँ जहाँ बड़े की मात्रा का यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उसके नीचे रेखा खींचनी है, ठीक है। और आप इसे मैम के साथ साथ दोहराएंगे, यानी कि रीड करेंगे। हम पढ़ते हैं पार्ट दीपक की दादी। आज दीपक की दादी आई, आज दीपक की दादी आई। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। दीपक, दी, की, दादी, दी, ठीक है। दूसरा लाइन है दादी नाशपाती लाई, दादी नाशपाती लाई। इसमें हम रेखा खींचेंगे, दादी दी नाशपाती थी लाई। इसी लाइन है उसकी नानी भी आई, उसकी नानी भी आई, उसकी की नानी ना नी नी के हम रेखा खींचेंगे, नी के नीचे भी आई, नानी नीली साड़ी लाई, नानी नीली साड़ी लाई, ना नी नी के रेखा नीली, ये दोनों अक्षरों पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, हम इन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, रेखा खींचेंगे। साड़ी ली लाई, दीपक अब बाजार गया, दीपक अब बाजार गया, दी अब बाजार गया। यहाँ पे बाकी बड़ी की मात्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दीपक में है। हम दूसरे लाइन में चलते हैं, वहाँ बर्फी लाया तभी मीरा दादी आ गई, वह बर्फी, बर्फी में पे बड़ी की मात्रा फी लाया, तभी तभी पे घ पे बड़ी की मात्रा भी, तभी मीरा म पे बड़ी की मात्रा मी, मीरा दादी द पे बड़ी की मात्रा दी आ गई, दादी ककड़ी खीरा तथा पपीता लाई, दादी दी पे बड़ी की मात्रा दादी ककड़ी र पे बड़ी की मात्रा री ककड़ी खीरा म पे बड़ी की मात्रा खी खीरा तथा पपीता प पी प पे बड़ी की मात्रा पी पपीता लाई, ठीक है। इस तरीके से आप भी इस पार्ट को रीड कीजिए और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों पे अंडरलाइन करके उसे भी अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। ओके।